पोको एफ थ्री एंड मी 11X डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर फ्री ओएस का अपडेट आ चुका है जो कि HyperOS 2.0.2 के ऊपर रन कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं HyperOS 2.2। और यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो कि इम्प्रूव करी गई है, अपडेट करी गई है, जो कि आपको एक्चुअली में पसंद आने वाला है। और यहाँ पे जो स्मूथनेस है यार रियली में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि सुपर हमें देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है इसी अपडेट से रिलेटेड कि अपडेट कैसा होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। और इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा चीज़ आपको डिफरेंट देखने को मिलता है जो कि मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, बस लास्ट तक आपको वॉच करना है और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अनलॉकिंग जो एनिमेशन है वो ओवरऑल काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है और काफी अच्छा एनिमेट करता है। साथ साथ यहाँ पे आइकन एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल ही सही है। अनदर हम बात करते हैं अपने माय डिवाइस की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मी 11X, क्योंकि इसे दो तरीके से बनाया गया है। अगर आपका डिवाइस है मी 11X तो उसके लिए अलग डाउनलोड लिंक है, अगर आपका पोको एफ थ्री या फिर चाइना वाला वेरियंट है तो उसका अलग आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा। मैं दोनों अटैच कर दूंगा तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे टैप करने के बाद इस तरीके से आपको चेंज देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे मारते हैं डिटेल एंड इन्फो के अंदर, तो आप देख सकते हो HyperOS का 2.0.206 वर्जन है जो कि CN यानी चाइना बेस्ड है, जहाँ पे 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और एंड्रॉयड 15 है और यहाँ पे कर्नल डिफरेंट यूज करा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे एनिमेशन और स्मूथनेस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। ऐसा फील होता है यार नया नवेला मैं फ़ोन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्मूथनेस रियली पे बेहतरीन है। साथ साथ यहाँ पे एडिशनल सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, चाइना बेस है उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐड करा गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ साथ वही फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, यहाँ पे आपको मल्टी यूजर अकाउंट वगैरह देखने को मिल जाता है, हेल्दी डिवाइस यूजेज वगैरह, और बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि ओवरऑल काफ़ी सही काम करता है। बाकी यहाँ पे प्रोटेक्शन के अंदर फुल चार्ज और स्मार्ट चार्जिंग भी आपको मिलेगा, एडिशनल के अंदर वही बेसिक ऑप्शन है और चार्जिंग के अंदर आप टॉप स्पीड मोड ऑन कर सकते हो, बट कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट आपका 33 ही आता है। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं, साउंड का प्रोफाइल भी प्रॉपर काम करता है। डिस्प्ले के अंदर हम बात करें डार्क मोड की ना, तो यहाँ पे डार्क मोड के अंदर जो ऐप लिस्ट है वो आपकी मिसिंग रहती है, जो कि चाइना के अंदर आपको पता ही है कि भाई आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने कई बार ये चीज़ बताई है आपको और वही चीज़ यहाँ पे नोटिस होती है। आई थिंक हमारे मेंटेनर के दिमाग से निकल गया होगा यहाँ पे ये ठीक करना, बट कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी स्मूथ ट्रांजिशन, एडवांस टेक्सचर्स, यहाँ पे आपको एंटी फ्लिकर, रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे 60:90 और 120 अनलॉक करके देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे वही फॉन्ट सेटिंग वगैरह आपको मिलेगा और होम लॉन्चर थोड़ा एडवांस और मॉडिफाइड है, जहाँ पे आप देख सकते हो इनहेंस का ऑप्शन है, एडवांस टेक्सचर्स का है, फोर्स डार्क का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सर्च बार स्टाइल देखने को मिल जाता है जो कि आप चेंज कर सकते हो। अनदर आपको देखने को मिलता है डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन, यहाँ पे आपको फोल्डर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यानी कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलता है। रॉयन कोलिमोलियन 4:6 और 5:8 दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको सर्च बार तो मैंने शो कर ही दिया है। यहाँ पे आइकन के अंदर आपको देखने को मिलता है वो डॉक का फीचर्स, जो कि अगर आपको पसंद है तो आप यूज कर सकते हो, जो कि आईफोन वाला लुक थोड़ा सा दे देता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अरेंज आइटम, जो कि आप आईफोन वाले स्टाइल में डाल सकते हो। यहाँ पे टैप को छोटा बड़ा आपको करना है वो भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे मुझे स्टटर और लैग कोई भी देखने को नहीं मिला लॉन्चर के अंदर, जबकि वहीं पे मैं इसे F5 के अंदर यूज करता हूँ, तो लॉन्चर अगर मॉडिफाइड रहता है तो पूरे सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत लैग फील होता है, बट वो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली और ये चीज़ मैं कहूँगा यार रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन स्टाइल वगैरह, जहाँ पे देख सकते हो 2.2 वाला यहाँ पे फीचर्स आपको मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। बाकी यहाँ पे बेसिक से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, जो कि आप लेफ्ट एंड राइट वाले चीज़ों को अपने हिसाब से बदल सकते हो, और ये हमारे 2.2 का ही फीचर्स है। बाकी पॉकेट मोड देखने को मिलेगा और बाकी वही सारे ऑप्शंस। पर्सनलाइजेशन के अंदर एक चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो है AI डायनेमिक वॉलपेपर का फीचर्स, क्योंकि 2.2 पे है तो ये चीज़ होता तो मज़ा सा आ जाता, बट नहीं है, तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट अपडेट में ऐड हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो काम करते हुए मिलती है, जो कि स्क्रॉल वॉलपेपर वगैरह का आपको ऑप्शन भी देखने को मिलता है, और HyperOS के सारे वॉलपेपर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे इजीली यूज कर पाओगे। अनदर यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको इस वक्त थोड़ा डिफरेंट लुक देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही लगता है, जैसे कि स्टेटस बार में आपको किस टाइप के क्लॉक स्टाइल चाहिए, जो कि मैं नंबर 4 यूज करूँ और टोटल यहाँ पे 12 दिए गए हैं।
साथ साथ यहाँ पे आपको बैक कवर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साथ साथ इम्पर्टी वगैरह म्यूजिक आइकन वगैरह हाइड कर सकते हो, एडिट बटन को यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो, स्टैंडर्ड पावर मेनू वगैरह इनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलेगा। अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आपको अप्लाई सेटिंग फ्लोटिंग क्लॉक आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया गया है, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे डिसेबल हैंड्स अप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर, जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है डिसेबल फ्लैग सिक्योर, डिसेबल प्राइवेसी चिप, और साथ साथ मिसलेनियस के अंदर आपको देखने को मिलता है हायर एपीएस फॉर ऑल एप्स, साथ साथ हाइड मी अकाउंट वगैरह, सिक्योरिटी का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, थीम का और कुछ चीज़ें हाइड करने की भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो अपने हिसाब से आपको रखना है हाइड टू हाइड करो, अदरवाइज डिफॉल्ट ही आप यूज कर सकते हो। अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज और हायर एपीएस गेमिंग के लिए जो कि आपके काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी वर्किंग रहती है। साथ साथ यहाँ पे आपको हिडन सेटिंग देखने को मिलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह, लॉग वगैरह, एओडी नोटिफिकेशन एनिमेशंस वगैरह, तो ये बेसिक फोन की सेटिंग है जो कि एक जगह रखा गया है। और हाँ, यहाँ पे कुछ लोग इक्वाइजर पूछते हैं कि दिखा दिया करो, तो ये वाला आपको देखने को मिलता है जिसमें कोई भी कटौती नहीं करी गई है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल सही निकल के आती है। बाकी हमारे मेंटेनर और उनके सपोर्ट डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, तो यूआई भाई रियली में काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे जो कैमरा है ना वो आपको लेटेस्ट वाला ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो 6.1 आया है वो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जो गैलरी है ये आपका अप टू डेटेड है, जो कि अभी कुछ दिन पहले आया था लेटेस्ट 2.3 का गैलरी, तो वो मैंने आपको वीडियो दिया था, और वही चीज़ यहाँ पे ऐड करी गई है, जहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा यूआई यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है गैलरी के अंदर, और कई सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको यहाँ पे नजर आती है, वाटरमार्क वगैरह, मेकअप वगैरह और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह, और कुछ यहाँ पे एआई वाले फीचर्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए इंटरनेट आपका ऑन होना जरूरी है। तो गैलरी रियली में यहाँ पे बेटर हो गया है, जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट टाइम इसे ऑन करके ना तो कुछ इस तरीके से पॉपअप आता है। आई होप कि आपने मेरा गैलरी वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और ये चीज़ भाई रियली में मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। वहीं पे आप देखोगे कि वॉल्यूम पैनल ऑन करते ही कोई भी लैग स्टेटस देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ फील नहीं हुई, और वन डे के बाद तो और ज़्यादा स्मूथनेस यहाँ पे इंक्रीज होती है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे KACU आपका है जो इंस्टॉल्ड रहता है, बस आपको APK डालना है और बाकी रूट वाले सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पे ले पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हो सिलेनेक्स आपको इन्फोर्सिंग देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये दिया गया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका सेफ्टी नेट पास नहीं रहता, आपको पैच वगैरह डाल के फिक्स करना पड़ेगा, जिस रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। और रही बात भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकल के आती है परफॉर्मेंस के अंदर, तो वो दिखा देता हूँ। कंप्लीट सेटअप होते ही आपको इतने ही सिस्टम ऐप देखने को मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और चार्जिंग देखो 14 मिनट में 31%, तो चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी इंप्रूव्ड है। साथ साथ बैटरी ड्रॉप 100 के बाद मॉर्निंग में आता है 100% ही, जहाँ पे आप देखो कि 0% का बैटरी ड्रॉप हुआ है ओनली ऑन 7 hours 58 यानी 8 hours के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा मैं अच्छा कहूँगा, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद एक ऐसा रोम देखने को मिला है जहाँ पर स्टैंड बाय बिल्कुल ही भाई खत्म कर दिया गया है, यानी ड्रेन देखने को नहीं मिला, तो ये चीज़ भाई रियली में सुपर है। वहीं पे आप देख सकते हो तो हमारा जो CPU टोटल है 3,37,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 2,97,090 का परसेंटेज, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है विदाउट किसी गेम टर्बो बूस्टर वगैरह का यूज किए हुए, डिफॉल्ट है, और ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। वहीं पर हमारा जो Geekbench है जहाँ पे मल्टी थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन सिंगल काफ़ी अच्छा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका है और बेटर हो जाएगा वन डे के बाद। Antutu स्कोर जो कि ये भी काफ़ी अच्छा है, और हीटिंग कंट्रोल भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जैसे कि कहा कि सेटिंग दिया गया एक्स्ट्रा FPS का, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बेसिक ही रहता है, बट आप है जो पास कर सकते हो, मैंने वीडियो दे रखा है, लिंक दे दूंगा साथ में डाउनलोड लिंक के साथ, ताकि आप फॉलो करके फिक्स कर पाओ। लेकिन हाँ, यहाँ पे बूट और लॉक का सूफ ऐड रहता है, बट डोंट वरी, जैसे आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हो आपका ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, तो टेंशन नॉट। बाकी यहाँ पे हम बात करें कैमरा वगैरह, तो हमारा काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, गैलरी में कई सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको शो कर ही दिया है। बाकी यहाँ पे सुपर आइकन वगैरह भी आपका यहाँ पे वर्किंग रहता है, तो इस रिलेटेड भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। और रही बात सेकेंड डे का बैटरी ड्रॉप की, कोई डाले हुए 2 दिन हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 61 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है हमारा है जो 57, तो यहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, जो कि फर्स्ट डे 0% था। यहाँ पे मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डे कैसा नेटवर्क रह रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है नेटवर्क के अंदर या नहीं, मैसेज आया या कुछ भी हुआ, उसके अनुसार बैटरी पे फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे स्टैंड बाय मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है। अब रही बार डालना कैसे, तो इस बार ये रोम हाइब्रिड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसे रिकवरी से ही फ्लैश करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप मी लिनक्स के लिए डाउनलोड करते हो और बैट फाइल रन करते हो तो वहाँ पे रन नहीं करता है, लिखा हुआ आ जाता है कि भाई आपका मी लिनक्स डिवाइस है, तो आई थिंक हमारे मेंटेनर भूल गए एडिट करना बैट फाइल को, तो मैं मैनुअली एडिट करके जो इंस्टॉल किया था बैट फाइल रन करके, लेकिन मैं इसलिए आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आप रिकवरी से डालोगे तो आपको यह सब चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने रीजन के हिसाब से अपना रोम सेलेक्ट कर लेना, मी लिनक्स का अलग है, पोको F3 का अलग है, तो उसके हिसाब से आप पिक कर लेना। और रही बात यहाँ पे बूट एनिमेशन कैसा हमें देखने को मिलता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो
क्लियर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलते रहे। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाता है फेडी, जो कि काफी सही तरीके से यहाँ पे डाला गया है, जो कि आपको एनिमेशन से पहले नजर आएगा। यहाँ पे आप देखो कि ये है हमारा बूट एनिमेशन, और यहाँ पे बूटिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है नॉर्मल ओएस के कंपैरिजन में, बट मैं कोई शिकायत नहीं करने वाला। और लास्ट टाइम जब मैंने इस ओएस का रिव्यू किया था, तो कुछ चीजें मैंने कही थी कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, और हमारे मेंटेनर ने भाई उसे एज अ फीडबैक लिया, उसे ठीक किया। ये चीज भाई देखे काफी अच्छा लगा, और आपको भी कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस होती है तो आप कमेंट जरूर करना, ताकि ये बात हमारे मेंटेनर तक पहुंचे और वो चीज इंप्रूवमेंट देखने को मिले नए अपडेट के अंदर। क्योंकि जब तक आप कुछ कंप्लेन नहीं करोगे, कुछ चीज बताओगे नहीं कि ये कमी है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि भाई कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम बनाते हैं और हमारे दिमाग से निकल जाती है जब तक उसे कोई पॉइंट आउट ना करे, तो ये चीज़ करना जरूरी होता है। बट ये भाई अगर आप प्लस वे में लेते हो तो अच्छी बात है, माइनस वे में लेते हो तो भाई अपना ही डाउनसाइड है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इस बार का रोम रियल में काफ़ी इंप्रूव्ड है और काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली है, और मेरे तरफ से तो भाई ये हाईली रिकमेंडेड होने वाला है आपके डेली लाइफ के लिए। और हाँ, यहाँ पे जियो 5G वगैरह आपका वर्किंग रहता है, इसलिए तो अलग अलग बना दिया गया है, ताकि आप इंडियन यूजर्स हो तो अपना इंडिया वाला रोम यूज करो, और बाकी अदर के हो तो अदर यूज करो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो HD लिखा हुआ है, जबकि 5G का आपको साइन भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे मैंने चेक कर रखा है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आता आपका जियो 5G से रिलेटेड। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।